पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शहर शहर जैसा दिखना चाहिए, विशेष सफाई अभियान के आगाज पर पुलिस सभापति। जलसिंह पुलिस की हद से थोड़ा शातिर चोर कई मामलों में चल रहा है वंचित। नागरिकता संशोधन अधिनियम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने निकाली समर्थन रैली। ला कॉलेज में एनएसएस शिविर के महिला सशक्तिकरण को लेकर संगोष्ठी एसपी राशि डोगरा ने की शिरकत। अब खबरें विस्तार से। शहर के सौंदर्यकरण को लेकर नगर परिषद हनुमानगढ़ की ओर से पहल करते हुए शहर के बाहरी सड़कों की साफ सफाई को लेकर अभियान चलाया गया है। इसका उद्देश्य शहर के मुख्य मार्गों से प्रवेश करने वालों को स्वच्छता का संदेश देने और सौंदर्यकरण बनाए रखना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति गणेश बंसल सक्रिय नजर आ रहे हैं। शहर के सौंदर्यकरण को लेकर जहाँ स्वच्छता और साफ सफाई को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं शहर शहर जैसा दिखना चाहिए इसको लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत शहर की बाहरी सड़कों के आसपास सफाई के साथ साथ झाड़ झंखाड़ हटाने का काम किया जा रहा है। इसके तहत आज शुरुआत की गई नवा फाटक से लेकर पूरे बाईपास से सूरतगढ़ बाईपास तक जेसीबी की सहायता से सड़क किनारे लगी झाड़ियों को हटा जाकर साफ सफाई की जानी है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज नवा से बाईपास से सूरतगढ़ रोड तक जेसीबी लगाई गई है, जो टेंडर लगा के ठेके पर ली गई है। इससे टोटल जो भी बाईपास है इसकी सफाई करवाई जाएगी। उसमें जो भी झाड़ी की करें आंकड़े या जो भी वहाँ कचरा जहाँ डंप होता है उसके बाहर जो कचरा पड़ा है उसकी सारी की सफाई करवाई जाएगी, ताकि यहाँ से गुजरने वाले आम आदमी की नज़र में नगर परिषद हनुमानगढ़ की अच्छी छवि बने। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा एक जेसीबी नवा रेलवे फाटक से लेकर और सूरतगढ़ रोड तक बाईपास पे जितना भी झाड़ झक्खड़ आग या कोई भी खड़े हैं उनको काट के दोनों साइड 15-15 फुट का पटड़ा जो साफ करके एक साफ रोड से कराहा मार के एक स्वच्छता के लिए एक अभियान चलाया है। हमारे नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति गणेश राज जी बंसल खुद मौके पे आके आज जेसीबी का शुभारंभ किया है यहाँ से। और ये प्रक्रिया जो है शहर के जो भी मुख्य मार्ग हैं जहाँ से लोग एंटर करते हैं उन सभी मार्गों के लिए ये सुविधा ये जो अभियान है ये चलाया जाएगा, ताकि आने वाला जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है उसमें हनुमानगढ़ नगर परिषद को अच्छे अंक मिल सकें और सफाई जो है बाहर के लोग जो शहर में घुसे उन्हें लगे कि हम किसी शहर में घुसे हैं। इसलिए आज मौसम ठंडा है परंतु फिर भी हमारे सभापति गणेश राज स्वयं आए हैं और यहाँ स्वयं इंस्ट्रक्शन देकर जेसीबी का जो शुभारंभ किया है। जमशेद थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी धीरेंद्र सिंह ने बताया कि भीमला उर्फ भीम मेघवाल शातिर बदमाश है, जिस पर नकबजनी के कई मामले दर्ज हैं। टाउन थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात में यह वांछित चल रहा था। सीआई ने बताया कि यह बड़ी बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देता और वारदात के बाद हरिद्वार और सहारनपुर जाकर रहने लगता था। फिलहाल इसके हनुमानगढ़ में होने की सूचना पर पुलिस इसका पीछा कर रही थी। आखिरकार कांस्टेबल कृष्ण बदानी इसे गिरफ्तार कर लिया। ये कल शाम की बात है, हमारे कांस्टेबल कृष्ण सिंह है, उसने एक भीमला और भीम मेघवाल है जाति का रहने वाला टाउन का है, उसको उसकी सूचना थी, जिसमें हमने जाके उसको डिटेन किया। और उसके बारे में ये है कि उसके खिलाफ़ बहुत सारे नकबजनी के मामले दर्ज हैं और कईयों में वो वांछित है। टाउन के अंदर धानमंडी में हुई चोरी के संबंध में इसकी तलाश थी काफ़ी दिनों से और इसके संबंध में एक टीम भी बनी हुई थी। ये इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो बड़े घर है कोठियाँ हैं उनके अंदर ही चोरी करता है और बड़ी चोरियाँ करता है, नकबजनियाँ करता है, और पहले भी उसने कई नकबजनियाँ की हैं। ये नकबजनी करके और हरिद्वार और सहारनपुर जाके रहना शुरू कर देता है, फिर वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करते करके और फिर वो महीने 20 दिन में एक दो वारदात करके और फिर चला जाता है। ये 3-4 दिन से यहाँ घूम रहा था और इसने एक दो दिन पहले रात्रि के दौरान एक अटैम्प्ट भी किया, किसी घर के अंदर घुसने की कोशिश की थी जंक्शन इलाके के अंदर, लेकिन वहाँ जाग होने के कारण ये जा नहीं पाया,
वहाँ वारदात नहीं कर पाया था। नवाला टाउन का ही निवासी है और इसके ये इस तरह की यहाँ घूमने की सूचना मिल रही थी, इसलिए इसके पीछे हमने टीम लगा रखी थी और उसने आज उसको रात को अपने इसको पकड़ लिया। अभी हम इसको टाउन पुलिस को, हनुमानगढ़ टाउन पुलिस को सूचित कर दिया है, वहाँ से जो टीम आएगी वहाँ उस मुकदमे के अंदर इससे तफ्तीश आगे की जाएगी और भी कई मामलों में ये इसकी संलिप्तता पाई जा सकती है। ओएलएक्स पर अपनी वॉशिंग मशीन बेचना वार्ड 50 के संजीव कुमार को इतना महंगा पड़ा कि अपने ही खाते से 20,000 गवाने पड़े। दरअसल संजीव कुमार ने वॉशिंग मशीन ओएलएक्स पर डाली, अगले दिन उसे फोन आया कि सूरतगढ़ आर्मी से कोई उसकी मशीन 5,000 में खरीदना चाहता है। इस संबंध में हुई बातचीत में कोड नंबर दिया गया ताकि वह अपनी मशीन की कीमत के रूपए खाते से ट्रांसफर कर ले, लेकिन उल्टा हुआ ये कि उसके ही खाते से 2 बार 5,000 और 1 बार 10,000 निकाल लिए गए। मामला 16 दिसंबर का है। फिलहाल जंक्शन थाना में फोन नंबर के आधार पर मामला दर्ज करवाया गया है। सर मैंने ओएलएक्स पर 8 तारीख को मैंने अपना वॉशिंग मशीन डाला था। 9 तारीख को एक व्यक्ति का फ़ोन आया और जिन्होंने कहा कि भाई मैं आर्मी से बोल रहा हूँ सूरतगढ़ से और मेरे को आपकी वॉशिंग मशीन पसंद आ गई है, मुझे लेना है। तो मैंने कहा कि जी घर पे आइए आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा जी हमको पसंद आ गया है, आप एक काम करिए मेरे को फ़ोन पे चलाते हैं। तो फ़ोन पे मैंने चलाता, मैं कहाँ जी चलाता हूँ, उनका मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। तो उन्होंने व्हाट्सअप में मेरे को बार कोड भेजा और उन्होंने कहा कि आप स्कैन करके पासवर्ड OTP नंबर लगाएंगे, ऑटोमेटिक है ना मेरे खाते से निकल के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे 5,000 रुपये। जैसे मैंने ट्रांजेक्शन लगाया ऑटोमेटिक मेरे खाते से 5,000 दो बार और 10,000 एक बार कट गया, वैसे ट्रांजेक्शन हो गए मेरे खाते से। और उन्होंने क्या किया, जो व्हाट्सअप में जो मैसेज भेजा था उन्होंने सारे डिलीट कर दिए और उसके बाद उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। बैंक में जाकर कंप्लेन किया तो बैंक में कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने में कंप्लेन किया है मैंने 16 तारीख को और उसके बाद 16 तारीख को ही मैंने उस मोबाइल पे फ़ोन किया और जो फ़ोन लगने के बाद उन्होंने कहा कि भाई जो आपको करना है कर लो, मैं तब के पैसे नहीं लौटाऊंगा, मेरा काम यही है। और ये है जी मोबाइल नंबर है जी, हम ये चाहते हैं कि सर मेरे पैसे आए या ना आए मुझे उससे कोई दुख नहीं है, लेकिन सर प्लीज़ इन फ्रॉड को पकड़िए ताकि सर किसी और ईमानदार आदमी की पैसे ना जाए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में रैली का आयोजन किया गया। दुर्गा मंदिर धर्मशाला से निकलेगी रैली में सरकार के निर्णय को सराहा और इस अधिनियम को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों का विरोध किया गया और देश में समानता और एकता अखंडता को कायम रखने का संदेश दिया गया। बजरंग दल एवं संघ के अन्य अनुसंगिक संगठन एवं सभी जो हनुमानगढ़ के हमारे नागरिक हैं उन्होंने मिलकर के इस एक समर्थन रैली का आयोजन किया था, जो कैब के समर्थन में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी एवं भाजपा की सरकार ने जो एक बढ़िया कार्य करके दिखाया था इसके समर्थन के लिए आज हम उन्होंने ये रैली निकाली थी। काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि इसके विपक्ष में काफ़ी मारकाट हो रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, जबकि हमारा केवल निकालने का मकसद ये था कि ऐसा कोई कैम में है ही नहीं जिसको लेकर के इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं,
और हमारे पूर्वज इस देश के थे और हम भी इस देश के हैं, तो आप बताइए जब आप इस देश के हैं तो किस हैसियत से कोई अपने घर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो आपको चाहिए था कि आप प्रोटेस्ट करते, बिल्कुल शांति से प्रोटेस्ट करते। हमने भी प्रोटेस्ट किया है बिल्कुल शांति के साथ, हमने कभी भी इस तरह का हिंसा का सहारा कभी नहीं लिया था। कैब का जो आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि विपक्ष और जो अन्य लोग जो इसको लोगों को भड़काने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहीं भी संविधान में संशोधन नहीं किया गया है। संविधान की जो 9 से लेकर के और 11 तक की जो अनुसूची है, उसमें स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख है कि आप उसको अगर लोगों को लाभ होता है उसके आधार पर इसमें बदलाव कर सकते हैं। और आज हमने अगर इसका समर्थन नहीं किया, आगे कोई भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या सरकार ऐसा कार्य करने की मत नहीं दिखाएगी। इसलिए सबको ये चाहिए कि इस बिल का पुरजोर समर्थन करें, और जो इसके विरोध में है उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने आइए और मैं आपको एक एक इसका फैक्ट बताऊंगा कि कहाँ इसमें गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, संविधान की सभी धाराओं का सम्मान करते हुए ये बिल लाया गया है और हम इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। बालिका सुरक्षा और नशे पर रोकथाम के लिए एसएफआई की ओर से कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने का प्रयास भी किया, जिसे पुलिसकर्मियों ने रोका। इसके बाद एसएफआई कार्यकर्ताओं ने स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग सेंटर्स के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने और नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग पुलिस प्रशासन से की। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, क्योंकि आपके घर से भी कोई बेटी कहीं ना कहीं जरूर पड़ती होगी। इस इलाके के अंदर चोर बेईमान तेज गति से बढ़ रही, और ये चिट्ठा भयंकर तेज गति से हनुमानगढ़ को घेर रखा। आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा जो हनुमानगढ़ में नशा तेज गति से बढ़ रहा है और जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, विद्यार्थी के अंदर ये चिट्टे जैसी गंभीर बीमारी ये तेज गति से हनुमानगढ़ में प्रवेश कर चुकी है। क्योंकि हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा का टच का जिला है, जिसके वजह से भी बीमारी यहाँ हनुमानगढ़ में फैल रही है और रोज बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ रहे। प्रियंका रेड्डी के बाद में सफाई हनुमानगढ़ ने ये मुहिम चला करके ये शुरुआत की है कि जो लगातार ये बढ़ रही है उन पर रोक लगाने के लिए आज कलेक्टर ऑफिस पर और पुलिस प्रशासन को ये बात कहने के लिए आए हैं। रोडवेज बसों और लोक परिवहन की बसों का संचालन मुख्य बस स्टैंड से होने से रोडवेज चालकों में रोष व्याप्त है। बार बार प्रशासन से मध्यस्थता और अलग अलग स्टैंड से संचालन की मांग कर रोडवेज कर्मचारी सोमवार को फिर कलेक्टर से मिलने पहुंचे। रोडवेज कर्मचारियों का कहना था कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों ने 24 दिसंबर मंगलवार को रोडवेज बसें प्रशासन को सौंपने का ऐलान किया। इसके बाद देर शाम हुई वार्ता में एडीएम ने एक दिन का समय मांगा है ताकि इस संबंध में स्थायी समाधान निकाला जा सके। प्रसिद्ध आयुक्त द्वारा आदेश कर
जो जबरदस्ती लोक पैंड बाने बस स्टैंडों के अंदर चलाई गई है उससे रोडवेज को नुकसान हो रहा है, कर्मचारियों में रोज विवाद हो रहे हैं। इस बात को लेकर हम कलेक्टर साहब को मिले, 16 तारीख को ज्ञापन दिया गया, सभी जिला परिवहन अधिकारी को, सभी अधिकारियों को सूचित कर दिया। उसके बाद में इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी द्वारा भी ना तो कोई मुख्य प्रबंधक को बुलाया गया रोडवेज के, ना किसी और को बुलाकर, पता नहीं उस कमेटी में इन्होंने क्या किया है, कमेटी का रिपोर्ट दिया या नहीं दिया है। पर आज फिर हम उस बात को याद करवाने के लिए कलेक्टर साहब को मिले हैं, जो ज्ञापन दिया पीए साहब को दिया, उसके बाद में एडीएम साहब मिले, एडीएम साहब ने हमें देख कर ही वापस चले गए, उनको कहा कि हम ज्ञापन देने हैं, उन्होंने कहा भी मेरे को यहाँ खड़े खड़े ही दे दो, पर उन्होंने खड़े खड़े लिए। आज भी हम मिलने हैं तो एडीएम साहब कह रहे हैं कि खाना खाने गए, ये पता नहीं एडीएम साहब हमारी इस बात से लुक क्यों रहे हैं, क्या पता अंदर से इनकी क्या गालमेल है, इनका इनके साथ मिली भगत है जा, क्योंकि एडीएम साहब उस पक्ष में जब भी बोलते हैं उस पक्ष में बोलते हैं, तो इनके द्वारा ही ये विवाद खड़ा शायद एडीएम साहब द्वारा ही करवाया जा रहा है, इसलिए रोड़े कर्मचारियों में रोष है और इस बात का हमने पूरे विस्तार से कलेक्टर साहब को बता दिए गए। और हमारा इसमें ये प्रयास है, आज हम लोग कलेक्टर साहब के सामने बात रखी, उसमें हमने ये कहा है कि भी जो लोक परिवहन और इनके लिए कमेटी बनाई हुई है उस कमेटी की मीटिंग की जाए, उस मीटिंग के में कमेटी के सभी लोगों को, चाहे वो रोडवेज के चीफ हैं, चाहे वो लोक परिवहन के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रशासन के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि हैं, सभी उसमें शामिल हों और शामिल होकर के और इनका इस विवाद का स्थायी निपटारा, स्थायी समाधान जो है वो प्रशासन करे। रावसर के प्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित बालक का इलाज जयपुर में चल रहा है। हनुमानगढ़ प्रशासन और भामाशाहों से मिले सहयोग के बाद इस बच्चे का इलाज संभव हो सका है। इसी के तहत जंक्शन धनमंडी के व्यापार मंडल, व्यापार संघ, फूड ग्रेन खाद्य व्यापार संघ की ओर से सहयोग करते हुए 71,000 की सहायता राशि का चेक कलेक्टर को सौंपा है। रावसर में जो बच्चा बीमार है ना, उसके लिए कलेक्टर साहब को हम हनुमानगढ़ जंक्शन नई मंडी की तरफ से 73,000 के चेक देके आए जी। व्यापार संघ, व्यापार मंडल, फूड ग्रेन व्यापार मंडल और खाद्य व्यापार संघ की तरफ से जी, कि बच्चे का इलाज हो सके अच्छी तरह, तो उसके लिए हमारा शुक्र। अनमला कॉलेज पे एनएसएस की 7 दिवसीय शिविर के चौथे दिन महिला सशक्तिकरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय वर्तमान समाज में महिलाओं की स्थिति रहा। इस संगोष्ठी में एसपी राशि डोगरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। संगोष्ठी के दौरान स्वयं सेवकों द्वारा महिला सुरक्षा पर नाटक का भी मंचन किया गया। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर रैली का आयोजन हुआ। ऐसे दोनों विषय हमारे समक्ष आज के वर्तमान समय में सामने आ गए हैं और साथ ही इस सुरक्षा को कौन कौन कर सकता है, सरकार, प्रशासन या हम स्वयं, ये तीन कड़ियां हमारी सुरक्षा के लिए है। सरकार और प्रशासन से हम आग्रह कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा मांग सकते हैं, पर स्वयं को ताकतवर करना हमारे स्वयं के हाथ में है, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं इसके लिए बनाएंगे हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह प्रशासन का सहयोग होते हुए भी हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। इसलिए मैं बाहर सामने जो बेटियाँ बैठी हैं उनसे मैं जरूर कहूँगी और प्रशासन से भी निवेदन करूँगी कि इन बेटियों को सुरक्षा के कदम में कुछ गुण सिखाए जाए। और जैसा कि एक महाविद्यालय की प्राचार्य होने के नाते और पिछले 16 वर्षों से एक महाविद्यालय छात्रा की महाविद्यालय से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा निवेदन है मैम से, मंच के माध्यम से, कि छात्राओं की जो महाविद्यालय है, हमारा जो महाविद्यालय है या अन्य छात्राओं का जो महाविद्यालय है, वहाँ पुलिस की गश्त लगाई जाए ताकि छात्राओं को सुरक्षा मिले। की बात यही थी कि एक महिला को तभी सशक्तिकरण नहीं होता अगर वो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस में है, प्रिंसिपल है, टीचर है, अगर वो घर पे खाना बना रही है, अगर वो घर को संभाल रही है, तो वो हमसे ज़्यादा बड़ा काम कर रही है, वो आगे वाली आने वाली पीढ़ी को संभाल रही है। आज हम घर में जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही हमारे बच्चे सीखेंगे। आप भी कल को माँ बनेंगी, आप भी किसी की बेटियाँ हैं, आप भी किसी के बेटे हो, आप अपनी माता का घर में इज्जत करोगे और उनसे जो हम घर पे सीखते हैं वही हम बाहर दर्शाते हैं। मेरा ये हर जगह मैं कहती हूँ और बार बार रिपीट करती हूँ कि जितने रोक और जितनी पाबंदियाँ हम अपनी बेटियों पे लगाते हैं, अगर उसकी आधी पाबंदी भी हम अपने बेटों पे लगाएं तो ये दिक्कत ही नहीं आएगी। वर्तमान जमाना क्या है कि हम कॉपी पेस्ट में ज्यादा विश्वास रखते हैं,
कॉपी पेस्ट पे कैसे कि कोई भी संस्कृति है उसको कॉपी करने लग जाते हैं और हमारे वालों की कमियां निकालने लग जाते हैं। जिस देश में यह कहा जाता था यंत्रा नारियंतु पुनन्ते तंत्रा देवता नमन्ते, उस देश में भी फैशन करने के लिए अभियान चलाना पड़ता है। मेमोरियल विधि महाविद्यालय में NSS के साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत चतुर्थ दिवस में भारतीय समाज में नारी का के भूमिका पर एक उद्बोधन रखा गया था कि आज भारतीय समाज में नारियों के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उन अपराध के रोकथाम के लिए मुख्य रूप से सुझाव दिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से मीडिया एक सुझाव रखा गया कि मीडिया इसके बारे में जागृति फैलाएं, इतना ही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में जागृति फैलाई जाए जिससे महिलाओं के बढ़ते अपराध को रोका जाए। यह उल्लेखनीय मुद्दा है कि महिलाओं के अपराध को रोकने के अंतर्गत एक एजुकेशन का पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार किया जाए जिससे कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोका जाए। पॉलीवर्ल्ड अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखता है, इसलिए यही वजह है कि पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक 100% वर्जिन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी है, इसलिए बेहद हाइजीनिक है। आप इसमें पीने का पानी भी स्टोर कर सकते हैं। साधारण वाटर टैंक्स की तरह पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक में बदबू नहीं आती, इसकी वजह है इसका ये मजबूत थ्रेडेड ढक्कन। इसका ये जो मेन होल है ये बड़ा है, इसलिए फिटिंग करने के लिए इसके अंदर उतरने में आसानी होती है। इसकी लेयर मोटी होने की वजह से ये ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसमें उतरने में डर नहीं लगता और इसकी बिना लिटाए ही फिटिंग कर सकते हैं। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपने फ्रेश कलर के वजह से दिखती कितनी खूबसूरत है, घर के खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपना चिंता मुक्त हो जाओ। जंक्शन स्थित एबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नगर परिषद के नवनिर्वाचित बोर्ड का स्वागत करते हुए सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विधायक चौधरी विनोद कुमार, सभापति गणेश बंसल, उपसभापति सहित पार्षदों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक के नेतृत्व में सभापति ने शहर के विकास को अभूतपूर्व विकास का करने का दावा किया। आयोजित कर हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, इसमें हम इनके सदैव ऋणी रहेंगे। मेरे से पूर्व हमारे पार्षद सुमित जी रणवा, उपसभापति नील जी कीचड़ जी ने काफ़ी कुछ नगर परिषद के बारे में कह दिया है। मैं तो आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि आपके आशीर्वाद से ही, मैं चौधरी विनोद कुमार जी के आशीर्वाद से यह पद प्राप्त हुआ है, आपका सदैव सहयोग बना रहे एवं आप इसी प्रकार आशीर्वाद देते रहें तो हम शहर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ ही हमारा साथ है। इस तरह का ये आयोजन होना बहुत अच्छी बात है। हार्जीत जो चुनाव लड़ेगा एक हारेगा एक जीतेगा, आप थे मारो कैंडिडेट तो राजीव पर ब्रांड साहब ने बढ़ा दिया है, मारा ही है, अब भी मेरे पूरे कोई सम्मान मान रखा ना और सारा अपना रल मिल के काम करना है। अगर सामने कैंडिडेट नहीं हुए तो चुनाव ही बोलिए। अभी यह चर्चा चली कि अपना शहर ने किया स्वस्थ रखना है, किया सफाई रखनी है और अपना किया विकास करना है, वो सारों आप मिलजुल के अच्छी सड़क होनी चाहिए, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं है वह अपना सारी मिलनी चाहिए। अभी पिछले दिना कल ही निरोग राजस्थान को उद्घाटन करो, हमारा मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत चाहे कि लोगों ने शिक्षा दी जावे भी अपना बीमार ही नहीं हो, ना अस्पताल की इतनी लोड़ पड़े, ना डॉक्टर की, ना दवाई की, तो भी मैं अपने खान पान के सुधार करने की जरूरत है। अपना जगह बुजुर्ग आ मगर ना कोई शुगर हुई, दो दो किलो सिरों खा जाता क्यों बोल हो, अच्छा गुड़ खाता, गुड़ मिल जाता तो रद्दी होता। अब और जिंक फूड है, फ्राइड फूड है,
ਇਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗੀ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਚ ਸਕਾਂ। ਕਾਵਾੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਰਡ ਮੇਂ ਵਰਕਸ਼ਾਰੋਪਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਰਡ ਕੀ ਸਵੱਛਤਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਸਵਸਥ ਕੇ ਲੀਏ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਰੋਪਣ ਜਿਸਮੇਂ ਹਮੇ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਸਵੱਛ ਸਵਾਸਥ ਸਹੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਯਹੀ ਅਨੁਰੋਧ ਰਹੇਗਾ। यातायात पुलिस की ओर से घने कोहरे को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया जा रहा है। टाउन घग्गर पुल की रेलिंग पर रेडियम पट्टियां लगाने का काम किया गया है। इस मौके पर प्रभारी अनिल चिंदा का कहना था कि घने कोहरे में लाइट जलाकर ही वाहन चलाएं और वाहनों को सड़क किनारे से दूर ही खड़ा करें। आज यातायात पुलिस ट्रैफिक पुलिस द्वारा धुंध को देखते हैं, क्योंकि धुंध बहुत है और संभावित दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, जैसे पुल है, पुल पे लाइट नहीं है, लाइट नहीं होने के कारण वाहन चालक को धुंध में बड़ी दिक्कत आती है रात्रि को। तो इस वजह से जो पुल पर लोहे के जो लगाई गई है रेलिंग लगाई गई है उस पर रेडियम लगाए जा रहे हैं ताकि रात्रि के समय किसी भी वाहन चालक को दिक्कत नहीं आई। जो एक सकेट ये एक दिशा निर्देश देता है कि आगे जाने के लिए तो वाहन को कृपया ध्यान से चलाएं और एक्सीडेंट नहीं हो, हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि जहाँ भी लाइटिंग नहीं है वहाँ रेडियम काम करे। एक और मैं कहना चाहूँगा यहाँ कि धुंध बहुत है, धुंध में आप जो भी वाहन चालक है लाइट जलाकर ही वाहन को चलाएं और पीली लाइट का उपयोग करें और उसके अलावा सड़क पर वाहन नहीं खड़े, सड़क से हटाकर वाहन को खड़ा करें 4-5 फुट की दूरी पर, ताकि पीछे अगर सड़क पर वाहन खड़ा है पीछे वाले वाहन को दिखता नहीं, एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। डबवाली अग्निकांड में 442 मृतकों की याद में सिविलगढ़ लोहार समाज द्वारा टाउन रावसर रोड स्थित उत्तम पैलेस में रविवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप थे। इस अवसर पर 180 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। डबवाली अग्निकांड में 442 मृतकों की याद में सिकलीगढ़ लोहार समाज की ओर से उत्तम पैलेस में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजकीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक टीम द्वारा लगभग 180 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। इस अवसर पर रक्तदाताओं को अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने शिरकत की। इसके अलावा पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया, पूर्व उपसभापति कालूराम शर्मा, जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, कविंदर सिंह शेखावत, लोहार समाज के प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर मून सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हमारा आज प्रोग्राम था डब्बावाली अग्निकांड 1995 में 442 बच्चे अग्निकांड में मारे गए थे, उनकी याद में हमने रक्त शिविर रखा गया था और उसमें हमारा उद्देश्य था लगभग 500 यूनिट का और बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण हमारा लगभग 180 यूनिट रक्तदान फुल हुआ। लोहार समाज समिति हनुमानगढ़ की तरफ से एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया जिसके अंदर 23 जनवरी 1995 को डबवाली के अंदर 442 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिस उपलक्ष्य में लोहार समाज समिति के सभी युवा और बुजुर्ग सदस्यों ने हमें एक ब्लड डोनेट का कैंप लगाने का प्रोग्राम बनाया कि रक्तदान जीवन दान है और उन बच्चों की याद में एक अपने ब्लड डोनेट कैंप लगाएं ताकि समाज में जागृति हो सके और हर युवा के अंदर रक्तदान को लेकर एक जागृति पैदा हो, ये संदेश दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में एमजीबी बैंकों के आईएफसी कोड बदलने से आ रही परेशानी को लेकर पंचायत समिति उप प्रधान अमर सिंह कलेक्टर से मिले और ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि कोड बदलने से प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें रुकी पड़ी हैं।
एक किस्त मिलने के बाद निर्माण शुरू कर चुके ग्रामीणों को काफी परेशान हो रही है। किस्त आज हमने एक हमारे जो आरएमजीबी बैंक है गांवों में उनका आईएफएससी कोड बदलने की वजह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है लोगों की रुकी पड़ी है और पीएमएवाई की जो किस्तें हैं वो रुकी पड़ी है और गरीब लोगों को इन सर्दियों में बड़ी बहुत बड़ी भारी मुश्किल हो गई कि जिन्होंने एक एक किस्त आ गई और मकान बना लिए पर उसके बाद दूसरी किस्त आई नहीं तो बहुत लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि आप इस पर कोई कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी गरीब लोगों की चार चार महीने से पेंशनें रुकी पड़ी है और पीएमवाई की किस्तें रुकी पड़ी है वो दिलवाने की कृपा करें। टाउनशिप वार्ड 27 ज्ञान सिंह कॉलोनी में नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति गणेशराज बंसल, उपसभापति अरविंद खिचड़ और समस्त पार्षदों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर शॉल ओढ़ाकर और सम्मति चिन्ह देकर सभापति और पार्षदों का सम्मान किया गया। मैं धर्मपाल जी से निवेदन करूंगा जो आगे आए मंच संचालन करें। धन्यवाद मौका जी का। एक बार तो बधाई दूंगा पूरी नगर परिषद टीम को और उम्मीद करूंगा कि हमारे मोहल्ले के अंदर जिस उद्देश्य से हम लोग बैठा हुए हैं आप हमारी ओर ध्यान देंगे। ये तो आज अपना तो इनका खुद का एरिया है। छोटी सी एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को। वार्ड नंबर 27 में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सभापति जी उपसभापति जी दोनों मौजूद थे और उनके साथ छह पार्षदों का भी सम्मान किया गया और हमारे निवासियों ने पट्टे की समस्या रखी उनके सामने और उन्होंने उसको जल्द से जल्द समाधान करने का हमें सुझाव वो दिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुआ। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।